हेलो फ्रेंड, सेहत ज्योति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस प्रेगनेंसी वीडियो में मैं आपको पांच ऐसे फ्रूट्स के बारे में बताऊंगी जो गर्मियों के मौसम में प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं के लिए खाना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं और जिसके सेवन से उनके गर्भ में पल रहे शिशु का तो तेजी से विकास होता ही है, साथ ही साथ प्रेगनेंसी के दौरान गर्मियों के मौसम में गर्भवती महिलाओं को पैर में सूजन, सीने में जलन, पेट में गैस, अपच, एसिडिटी जैसी समस्याओं से भी बचाता है। आइए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कौन से हैं वो पांच फल। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल सेहत ज्योति को और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाइए, जिससे कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड मैं जो भी वीडियो डालूं उन सबकी नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। फ्रेंड्स, वैसे तो गर्मी का मौसम सभी के लिए परेशानियों से भरा होता है, लेकिन गर्मी का मौसम गर्भवती महिला के लिए कुछ ज्यादा ही परेशानियों को बढ़ा देता है। इस मौसम में हर किसी की इच्छा होती है कि वो हमेशा कुछ ठंडा खाए पिए, तो जाहिर है ऐसे में गर्भवती महिला की भी इच्छा होती है ठंडा खाने पीने की। लेकिन उनके लिए यह प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर वो ज़्यादा ठंडा खाती हैं तो उनके पैरों में सूजन आ जाते हैं, इसलिए उन्हें गर्मियों के मौसम में अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं और इस वीडियो को देख रही हैं और गर्मी के मौसम में ही आपकी डिलीवरी है, यानी आप गर्मी के मौसम में ही माँ बनने वाली हैं, तो आपके लिए इस वीडियो में बताए जाने वाले फलों का सेवन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप इसका सेवन जरूर से जरूर करें। दोस्तों, पहला है तरबूज। दोस्तों, तरबूज एक मौसमी फल है और प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि एक दिन में कम से कम दो मौसमी फल खाने को। तो अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान गर्मियों के मौसम में तरबूज खाती हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, क्योंकि तरबूज एक ऐसा फल है जिसमें 90% पानी होते हैं, जिसके सेवन से आपका बॉडी हाइड्रेट रहता है। आपके बॉडी में पानी की कमी की पूर्ति होती है। पानी की कमी से हाथ पैरों में होने वाले सूजन में भी छुटकारा मिलते हैं। साथ ही अगर आप तरबूज का सेवन रोजाना करती हैं तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले मॉर्निंग सिकनेस से भी तुरंत ही छुटकारा मिल जाते हैं। इसके अलावा तरबूज के सेवन से प्रेग्नेंट वुमेन की हड्डियाँ और मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं और साथ ही साथ प्रेगनेंसी के दौरान उनके चेहरे पर आने वाले दाग धब्बे, फोड़े, फुंसियाँ हट जाते हैं और उनके चेहरे पर निखार आता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान तरबूज का सेवन गर्भ में पल रहे शिशु के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं, क्योंकि अगर आप तरबूज का सेवन करती हैं तो आपके गर्भ में पल रहे शिशु की आंख की रोशनी तेज होती है, शिशु की इम्यून सिस्टम अच्छी होती है और साथ ही साथ शिशु के ब्रेन और नर्वस सिस्टम भी स्ट्रांग होते हैं। दोस्तों, दूसरा है खीरा। प्रेगनेंसी के दौरान खीरे का सेवन भी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। खीरा भी एक ऐसा फल है जिसमें 90 से 95% तक वाटर होता है, और ये बात तो आप सभी जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट महिला के लिए वाटर कितना जरूरी होता है। दोस्तों, खीरा एक ऐसा फल है जिसमें कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे फाइबर, विटामिन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, विटामिन के और विटामिन ए। और खीरा में मौजूद ये सारे पोषक तत्व गर्भ में पल रहे शिशु का बहुत ही अच्छे से और बेहतर ढंग से विकास करते हैं। दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान गर्भ में पल रहे बच्चे को बहुत प्रकार के संक्रमित रोग लगने के खतरे होते हैं। ऐसे में खीरा का सेवन गर्भ में पल रहे बच्चे को हर प्रकार के संक्रमित रोगों के लगने के खतरे से बचाता है। साथ ही खीरे में पाए जाने वाला विटामिन के गर्भ में पल रहे शिशु के हड्डियों के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर प्रेग्नेंट वुमेन की इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाती है और खीरे का सेवन उनकी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, पेट संबंधित सारी परेशानियों को दूर करता है, साथ ही साथ प्रेग्नेंट वुमेन में मूड स्विंग की जो समस्याएं हो जाती है उसे भी खीरे के सेवन से दूर किया जा सकता है। तीसरा है आम। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान आम खाना भी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। चूँकि एक मौसमी फल है इसलिए इसके फायदे और भी ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, आम एक ऐसा फल है जिसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B6, आयरन, पोटेशियम, फाइबर और फोलेट एसिड प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों, आम के सेवन से बच्चे के साथ साथ माँ का स्किन बहुत ही अच्छा होता है। गर्भवती महिला की बॉडी में आयरन की पूर्ति होती है। इसके अलावा आम के सेवन से प्रेग्नेंट वुमेन का ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहते हैं। फ्रेंड्स, आम एक ऐसा मौसमी फल है जिसमें विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो प्रेगनेंसी के दौरान प्रीमैच्योर डिलीवरी के खतरे से भी बचाते हैं। इसके अलावा आम में पाया जाने वाला विटामिन ए शिशु के नर्वस सिस्टम, मांसपेशियों, हड्डियों और इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करते हैं, और आम में मौजूद फाइबर गर्भवती महिला के पेट संबंधित सारी परेशानियों को भी दूर करते हैं। दोस्तों, चौथा है नारियल पानी।
दोस्तों नारियल पानी में बहुत तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीज, कैल्शियम और विटामिन सी भी पाए जाते हैं, जो कि गर्भवती महिला के भ्रूण और उनके बच्चे के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर प्रेग्नेंट वुमेन को यूरिन संबंधित समस्याएँ हो जाती है, ऐसे में नारियल पानी का सेवन उनकी उस समस्याओं को चुटकियों में दूर करता है। इसके अलावा नारियल पानी में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटीवायरल तत्व पाए जाते हैं, जो गर्भावस्था के दौरान गर्भ में पल रहे शिशु को हर प्रकार के संक्रमित रोगों के खतरों से बचाते हैं। और साथ ही नारियल पानी का सेवन से गर्भ में पल रहे शिशु का स्किन बहुत ही फेयर यानी गोरा होता है, और प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट वुमेन में दिखने वाली समस्याएँ जैसे उल्टी, सीने में जलन, पेट संबंधित समस्याएं, हाथ पैरों का फूल जाना, सभी कुछ नारियल पानी के सेवन से दूर होता है। और साथ ही साथ नारियल पानी के सेवन से प्रेग्नेंट वुमेन के बॉडी में पानी की कमी की भी पूर्ति होती है। दोस्तों पांचवा और सबसे अंतिम है संतरा। संतरा एक ऐसा फल है जिसमें 90% पानी रहता है। दोस्तों प्रेग्नेंसी के दौरान संतरे के सेवन से बॉडी में रेड सेल्स बढ़ते हैं, जिससे खून की कमी दूर होती है। साथ ही प्रेगनेंसी के दौरान संतरे के सेवन से किडनी प्रॉब्लम भी दूर होते हैं, बॉडी में पानी की मात्रा बढ़ती है और संतरे में पाया जाने वाला फाइबर कब्ज की समस्याओं को भी समाप्त करता है। और संतरे के सेवन से प्रेग्नेंट महिला अपने आप को तनाव मुक्त पाती हैं, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान उनके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे ऐसे 5 फल जो प्रेगनेंसी के दौरान गर्मियों के मौसम में प्रेग्नेंट वुमेन के लिए खाना बहुत ही जरूरी होते हैं। इनके सेवन से गर्भवती महिलाएं खुद को तो स्वस्थ रखेंगी ही, साथ ही साथ इनके सेवन से गर्भ में पल रहे बच्चे का अच्छा और बेहतर विकास होता है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके कुछ काम आए, ये जानकारी आपको पसंद आई हो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में प्रेगनेंसी से ही रिलेटेड एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।